हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवक नगरवाल है और अभी मैं अपने हार्डवेयर की लैब में हूँ। यहाँ मैं आपको एक माइक्रोस्कोप के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर टूल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ, इसलिए क्योंकि एक माइक्रोस्कोप हमने एक नया परचेस किया हुआ है, ये ZS मलिक से हमने परचेस किया है और इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। ये है सबसे अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप। ये आपको भी मिल सकता है अगर आप इस नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सअप करें, और अगर आप उनको बताएंगे कि आप इसे टेलीकॉम के सब्सक्राइबर हैं तो उनको मिल जाएगा अच्छा खासा डिस्काउंट। और दोस्तों, ये माइक्रोस्कोप अगर मैं बात करूं, अगर दूसरी कंपनी के हिसाब से ये माइक्रोस्कोप अभी 17,000 और 19,000 के रेट पर चल रहा है, पर ये आपको बहुत कम रेट पर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी इस माइक्रोस्कोप की। तो चलिए इस माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा डिटेलिंग करते हैं और देखते हैं कि कितना अच्छा है ये माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, ये यहाँ पर कैमरा ऑप्शंस के साथ आपको मिलेगा। हालांकि ये जो हमने कैमरा लगा के रखा हुआ है, ये अलग एक दूसरी कंपनी का कैमरा है। ये आपको कैमरा ऑप्शंस के साथ और विदाउट कैमरा ऑप्शंस भी मिल जाएगा, पर दोनों में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 1,500 रुपये का फ़र्क है। और मुझे लगता है कि 1,500 रुपये के लिए अगर आप एक कैमरा ऑप्शन लेंगे तो ये एडवांस हो जाएगा, ताकि कल को आप अपडेट होते हैं और सपोज़ एंड्रॉयड टू आईफोन में जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बेटर होगा कि अगर आप अपने सर्विस सेंटर में एक टीवी लगा के आप लोगों को दिखाना चाहें या आप ट्रेनिंग पर्पस पे जा रहे हैं तो भी ये कैमरा ऑप्शंस आपके लिए एक बेटर एक ऑप्शंस होता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या यहाँ पे दे दिया है इसका। जो देखिए अभी तक के जो माइक्रोस्कोप आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, जहाँ पे आपको ये जो मैट होता है, जो मैट की तरह आपको जो नीचे का आपको ये प्लेट मिलती है, जो स्टैंड प्लेट मिलती है जिसको माइक्रोस्कोप रखा होता है, उसका साइज़ सिर्फ इतना ही होता है जिसमें हम नॉर्मली वर्क नहीं कर पाते। तो जनरली जो टेक्नीशियन होते हैं उसको राउंड अप कर देते हैं और नीचे इसको यूज़ करते हैं, पीछे कुछ हैवी मटेरियल रख के, बट अब उसको यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं है। रीज़न क्या है कि दोस्तों अगर इसको हम पीछे रखेंगे तो इस पर इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, बेसिकली हमारी एरिया को कवर कर लेता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे को जो एरिया मिलता है वो सब बेस्ट एरिया है, एक मैट की एक जो स्पेसिफाई हमें जो कवर करता है, जिस प्रकार का हम यहाँ पे ये मैट यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। अगर मैं इस मैट को यूज़ करूँ इस कवर पे, देखिए इस तरीके से, तो भी मेरा काफ़ी अच्छा काम यहाँ हो जाएगा। बाकी हालांकि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो वाइड एरिया के साथ ये आया है। दूसरी चीज़, आप इसको इस तरह से अगर आपको यहाँ पे काम करना है, सपोज़ यहाँ पे दूसरा वर्क चल रहा है, तो आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और इसमें जो तीसरी चीज़ है, हालांकि ये हर माइक्रोस्कोप के साथ है, इसमें कुछ खास डिटेलिंग नहीं है, बट यहाँ पर आपको जो वाइड लाइट मिलेगी दोस्तों, क्योंकि अभी जनरली जो माइक्रोस्कोप के साथ जो लाइटें आ रही हैं वो येलो आ रही हैं, यहाँ पर आपको LED वाइड लाइट मिलेगी जो ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट और ज़्यादा अच्छा आपको क्लियरिटी देगी। यहाँ पर मैं लेंसेज की बात करता हूँ, देखिए, और इसके साथ आपको एक लेंस ये भी मिलेगा अगर आप कैमरा ऑप्शन लेते हैं, ताकि आप इसको जब TV मोड पे आप इसको लेंगे, LED मोड पे लेंगे, तो आप इसको जब यहाँ के साथ आई स्कैन जब आप आई स्कैनिंग के साथ देखेंगे तो TV के साथ भी जो आपको पिक्चर्स दिखाई देगी उस दोनों की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों एक ही जैसी पिक्चर होगी, कोई भी एक पिक्चर ब्लर नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ पर कैमरे की। और अभी हमारी जो नई क्लास EMMC की बन रही है और जिसका काम अभी चल रहा है, और जो हम आईफोन ट्रेनिंग की हमारी जो क्लास चल रही है उसमें भी हम यही सेम कैमरा यूज़ करने वाले हैं। तो इससे जो क्वालिटी आती है दोस्तों वो सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है कि ये माइक्रोस्कोप आपके लिए एक सबसे अच्छे और स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप है, और जिसका रेट काफ़ी मार्केट में अभी कम प्राइस में आपको सबसे कम प्राइस में मिलेगा। आप इंडिया के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर के पास चले जाएंगे, आपको ये रेट नहीं मिलेगा। अगर रेट मिल जाता है तो हो सकता है कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट ना हो, उसकी क्वालिटी में अंतर हो। दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, अगर आप विदाउट कैमरा और कैमरे ऑप्शंस पर जाते हैं तो विदाउट कैमरे में जो क्लियरिटी है वो विद कैमरे ऑप्शंस में इतनी नहीं आती है, इसलिए कभी ये मत सोचिए कि विदाउट कैमरा ऑप्शन में ले लेता हूँ, 1,500 रुपये बचा लेता हूँ। क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ये अपडेट आपके लिए था। बाकी आपको अगर ये लेना है, अच्छा लगे, तो आप नीचे एक ZS मलिक का नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह जुड़े रहे चैनल के साथ। और अगर आपको कुछ भी पूछना है किसी भी नए टूल के बारे में तो मैं आपको बताता रहूँगा। और इसके साथ मैं अलविदा कहता हूँ और नए नए टूल्स आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ट्रिक ये है कि जो यहाँ आकर नहीं सीख पाया वो कहीं नहीं सीख पाया।
अच्छा, बस यही। और क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए एशिया दिल्ली को? क्योंकि सर यहाँ जो जो ट्रिक दी जाती है वो, मतलब जैसे नहीं कहते किसी को पिला दिया जाए, उस एंगल से आप लोग बताते हैं कि मतलब उसको तो दिमाग में एकदम बैठ जाता है। जैसे किसी को रख दिया समय बोझा तो सर उसमें पड़ा रहेगा, उसको उतरने वाला नहीं है ना, ये डिलीट होगा यहाँ से। अब दिल से बोल रहे हैं क्या? सर मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब झूठ नहीं बोलते हैं। आईडी नहीं, सही बात है, झूठ नहीं बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते ही नहीं, और हमारे डाउट जाते हैं, कितने डाउट है, सब क्लियर हो गए। चलिए ठीक है, किसी और को देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, बिल्कुल कॉप भी नहीं। ऑनलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हो, सीपीयू पे काम कर सकते हो, सीपीयू उठाकर रिमोट कर सकते हैं, पेस्टेड वाला भी। जी सर बिल्कुल, अभी भी है मेरे पास, अभी ये बोर्ड है सर। अच्छा ये वाला बोर्ड है, क्या काम किया इस पर थोड़ा दिखाइए। एमसी निकला, ये वाला एमसी, ये पेस्टेड है। हाँ सर, पेस्टेड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड, यहाँ पे एमसी निकाला है इन्होंने। और अभी अच्छा दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने यहाँ पर आने के पहले जो एडवांस बुकिंग यहाँ पे करवाई थी, तो वो एडवांस बुकिंग में इनको डाउट हो रहा था कि मैं यहाँ पर सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। अभी डाउट कैसा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? यहाँ पे मेरे साथ में दूसरी क्लास चल रही है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, उसमें कितने स्टूडेंट है करीब? तकरीबन कितने हैं? 40। कितने स्टूडेंट हैं सर? 40 स्टूडेंट हैं। आप एक बार करें, आप मुझे एक बार बताओ कि आप उनसे मिलते भी हो, क्योंकि एक ही हॉस्टल में रहते हो सर। आप लोग ने आते साथ भी उनसे पूछा होगा, जी सर, क्या फीडबैक रहा उन 40 सर? उनका फीडबैक एक नंबर का था सर, कि मतलब बता रहे थे कि सर पढ़ाने का जो तौर तरीका है सर, एक नंबर का, मतलब बताते हैं जो हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाता है सर। उसमें मत कोई भी डाउट नहीं रहता कि अब इसको दोबारा बताने की जरूरत है, और उसके बाद अगले दिन से हम उस पर काम करने लगते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपसे ईएमसी वालों से पूछ रहा हूँ, अपने हार्डवेयर वालों का फीडबैक, जो कि बहुत एक कमाल की बात है। सर बताइए, आप दुकान पे काम कर रहे थे अपना, कब से काम है आपको, कितना एक्सपीरियंस आपका? 5 साल से। आपको अब क्यों लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए एज अ शॉपकीपर, एज अ टेक्नीशियन? मुझे जहाँ मैं फंसता था, मुझे लगता था मुझमें बहुत कमी है, लेकिन यहाँ आने पर लगा कि सारी कमियां अब दूर हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगे एमसी करने के बाद, मुझे ऐसा लगा मेरा कुछ और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है हार्डवेयर से, जो कि मैंने हार्डवेयर के लिए अप्रैल के लिए क्लास ज्वाइन किया। मतलब आपने, दोस्तों मैं बता दूं, इन्होंने हमारी हार्डवेयर की अप्रैल की क्लास को पहले से बुक करा के रखा हुआ है, जो कि मार्च में मेरे कुछ फ्रेंड ने करवाया, मार्च में। हाँ। मार्च में सीट खुलने का मेरा नहीं हो पाया, इनको अप्रैल में मिला हुआ है। और तो आपने एशिया टेलीकॉम को चुना, यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है, क्या आप सेटिस्फाई हैं यहाँ आकर, ये बता दो। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा? अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होगी, तो हमारी भी चीजें क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया? सर आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शुरू से मतलब शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है, तो वो सब बोलते सब एशिया टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते, इन्होंने रिव्यू भी लिए लोगों से, और वो ये बोलते हैं कि एशिया टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एशिया टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़े आपने? पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बने, पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो एमएनसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं, क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूएफआई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको एमएनसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना। हाँ सर, तो मेरा तो यूएफआई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब वेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर वेस्ट मेरे को लगा कि एमएनसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं सर? मेरा कॉन्फिडेंस 6 साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं 4 साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर। हाँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाई नहीं हो पा रहा, सर्टिफाई नहीं है, क्योंकि आप YouTube से देखकर कितना सीख सकते हो सर? YouTube से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके में आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एशिया टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, सो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने एशिया टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है? पहनी है।
पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया फुल शॉटिंग बना लेता है, हाफ शॉटिंग क्या होता है मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो पावर इस निकाले और एक नहीं था मुझे सर अच्छा समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, अरे आपको आएगा नहीं, हाँ पकड़ के सिखाने का तरीका मतलब दोनों पावर सही बात है। भाई एक बार ताली बजा दो, इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो स्टेटस भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे? तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था आया था सर, रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में सीख लिया। फॉलो कर लेकिन हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए बोले मेरा दिल बोल रहा है हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, सर ये नहीं बोलते हाँ हमें बोलना है कि के लिए बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना नहीं बोलेंगे बोलेंगे मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं।
तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया उसके बाद टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड सर? 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फायदे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ तो मैं हर एक फायदे को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे की मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। कल नए बच्चे जो आए थे? नहीं, नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.